गाइस, पहाड़ के ऊपर से गिरते पानी के झरने वास्तव में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में एक ऐसा झरना भी है जो देखने में काफ़ी अजीब लगता है। आइए जानते हैं इस अजीब झरने से जुड़े अमेजिंग फैक्ट के बारे में। गाइस, ये झरना अंटार्कटिका की मैकमर्डो घाटी में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झरने से बहने वाले पानी का रंग खून के जैसा गाढ़ा लाल है, इसलिए इस झरने को ब्लड फॉल भी कहते हैं। सदियों से इस झरने का रंग लाल है। दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफ्स टेलर ने यहां आने की हिम्मत जुटाई और इस झरने की खोज की। इसी वजह से थॉमस टेलर के नाम पर इस जगह को टेलर ग्लेशियर भी कहा जाता है। टेलर ने बताया कि झरने में माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल हैं, जिसकी वजह से इस झरने का रंग खून जैसा लाल है। लेकिन टेलर की ये थ्योरी आगे चलकर गलत साबित हुई। बाद में एक और नई रिसर्च हुई। इस रिसर्च में बताया गया कि झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, जिस वजह से पानी का रंग लाल है। लेकिन ये रिसर्च भी गलत साबित हो गई। बाद में कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने इस झरने पर रिसर्च करके बताया कि झरने का पानी एक विशालकाय तालाब से गिर रहा है। इस तालाब से जुड़ी खास बात यह है कि तालाब कई सालों से ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है, जिसके कारण जब इस तालाब का पानी जमना शुरू होता है तो पानी गर्मी छोड़ता है और ये गर्मी चारों तरफ की बर्फ को गर्म करती है, और इस दौरान कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिससे झरने के पानी का रंग खून जैसा गाढ़ा लाल हो जाता है। गाइस, इस झरने से जुड़े ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।